ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना जरा। लास्ट टाइम हमने रोटेशनल का ये वाला कंटेंट खत्म कर लिया था। ओके जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, A122 नंबर शीट का प्रिंट आउट लें प्लीज। A122 दो पेजेस है ना इसमें शिवम? दो पेजेस है ना इसमें? हाँ दो पेजेस की असाइनमेंट है। राइट ठीक, क्वेश्चन पढ़ना प्लीज A122 का। 2016 का होगा क्वेश्चन है ये भी। बाकी क्वेश्चन फिर भी थोड़े से ठीक हैं, एक्सेप्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। देखो, टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम एंड 4m हैविंग रेडियाई ए एंड 2a, तो एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस, दो डिस्क आपको डायग्राम में दिख रही होंगी, आर रिजिडली फिक्स्ड बाय अ मासलेस रिजिड रॉड ऑफ लेंथ l इज इक्वल टू √24a थ्रू देयर सेंटर्स। रॉड की लेंथ गिवन है। दिस असेंबली इज लेड ऑन द फर्म एंड फ्लैट सर्फेस एंड इट्स सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्फेस। रोल कर सकती है ये असेंबली पूरी की पूरी, तो डायग्राम आप देख सकते हैं इस टाइप का है, और ये असेंबली इस ग्राउंड के ऊपर रोल करेगी। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़े सर्कल में घूमेगा और ये अपने छोटे सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देगा। आगे एंड ओमेगा आपको गिवन है इसका, कि ये इज लेड ऑन दी एंड सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन द सर्फेस सो दैट एंगुलर स्पीड अबाउट एक्सिस ऑफ रॉड इज ओमेगा। तो इसके अबाउट घूमने का जो है दोनों के लिए ओमेगा है। एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर असेंबली अबाउट पॉइंट ओ इज एल। तो ये जो ओ पॉइंट है यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, ये रहा ओ पॉइंट, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है इसमें पूरी असेंबली का? एल है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? लंबी स्टेटमेंट तो मैंने लिखी नहीं, तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये रेडियस ए है और ये रेडियस 2a है, और अगर आप बात करते हो लेंथ की तो लेंथ वैसे तो टोटल कैपिटल एल है, पर ये डायग्राम शायद क्वेश्चन में गिवन ही था इसमें कि इस तरीके से इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, बट द पॉइंट इज कि इसके अंदर दो ओमेगा होंगे। दो ओमेगा कैसे होंगे? एक तो ये वाला ओमेगा इसके अबाउट ओमेगा, और एक इसके अबाउट ओमेगा, क्योंकि रोटेशन ओ के अबाउट भी हो रही है ऐसे, और रोटेशन इस रॉड के अबाउट भी हो रही है, तो ऐसे घूम रही है ये असेंबली, ठीक है ना? तो रॉड ऐसे घूम रही है, रॉड ऐसे घूम रही है, और इस तरीके से ये मूवमेंट में, राइट? तो इसके अंदर सबसे पहली चीज जो इसका एक्सिस है, जो रॉड है, वो ऐसी है, तो रॉड के अबाउट ओमेगा गिवन है, तो ये ओमेगा वेक्टर मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, राइट? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर असेंबली ऐसे घूम रही है तो एल वेक्टर कैसे निकलता है? चार फिंगर घूमने के साथ टॉर्क भी ऐसे होगा, एल भी ऐसे होगा, और ओमेगा भी ऐसे होगा, ठीक? और ये असेंबली पूरी की पूरी ऐसे भी घूम रही है ये, तो एक ओमेगा ऊपर भी होगा। अब ये ओमेगा अलग होगा, ये ओमेगा अलग होगा, लेकिन इसका एक्सिस ओमेगा का ये नहीं होगा, क्योंकि बड़ी छोटी डिस्क हैं, और अगर रॉड या डिस्क बड़ी छोटी हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो भी रॉड के परपेंडिकुलर एक्सिस बनेगा वो उसका ओमेगा डैश, वो उसका एक्सिस बनना चाहेगा। तो दो एक्सिस पहले तो आइडेंटिफाई हो गए, एक ओमेगा और एक ओमेगा डैश। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक और भी है
ये पूरी दोनों की दोनों डिस्क घूम रही हैं, किसके अबाउट घूम रही है, ओमेगा डैश के अबाउट घूम रही है, मीन इसके एक्सिस के अबाउट घूम रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा, एक का मास एम है, एक का मास 2m है। तो एक और काम हमें करना पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में पूरा सिस्टम का मतलब है, दोनों का टोटल मास का सेंटर। तो टोटल मास कहां पर पड़ा होगा वो हमें ढूंढना पड़ेगा यहां कहीं, सच दैट वो टोटल सेंटर ऑफ मास इज रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ओ विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश। ठीक है अंकल, तो पहला ये पॉइंट समझ में आया ओमेगा ओमेगा डैश का। अब 2 मिनट देखो और सोचो इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, एक बार आगे खुद नेक्स्ट स्टेप आपको कर सोचना है। में आ रहा होगा फर्स्ट पेज पे लिखा है क्या, हम पहले इसमें इस ज्योमेट्री को लगाएं अगर, तो ये देखते हैं कि अगर ये साइन, अगर ये थीटा है, हाँ 90 माइनस थीटा, थीटा तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो ये एल है और ये ए, और एल की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है √22 24a जो भी है, ये एल और एल बराबर गिवन है, पर एल का मतलब आपको गिवन है इसमें √24a। तो इसके अंदर साइन थीटा की वैल्यू ए बाय एल है और कॉस थीटा दिस बाय दिस है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा ठीक, ए बाय और ए और एल के हिसाब से। अब इसके अंदर L कितना गिवन है क्वेश्चन में, √24a लेंथ ऑफ वो रॉड की एक एक्सल उसमें गिवन है, L और L गिवन है बस उसमें, लेकिन L की वैल्यू इसमें मेंशनड है। L अगर हम यहाँ पुट करें, A और A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएंगे पहले, तो जब रिक्वायर्ड होगा साइन एंड कॉस हम निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, और ये मैं बता चुका हूँ कि ओ डैश का मतलब है, ये वो ओ डैश है, ओ डैश के अबाउट ओमेगा है और ओ के अबाउट ओमेगा डैश है, यहाँ तक ही समझ में आता है ठीक, ज्योमेट्री क्लियर है यहाँ की। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास निकलेगा, सेंटर ऑफ मास दोनों का कैसे निकलेगा, एक का मास एम है, एक का मास 2m है, तो लिख नहीं, एक का मास एम है, एक का मास शायद 4m है, चेक कर लेना है, तो यहाँ लिख लेना एक एम है और एक 4m है, प्लीज दिस इज एम दिस इज 4m, यहीं से समझ में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास 4m और 2m के बीच में होगा या m के बीच में होगा कहीं पर, तो मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा, मान लिया, और ये कहां पे होगा एग्जैक्टली इसके लिए मुझे ये लगाना पड़ेगा, ये मानते हुए कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, और अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो मैं इस टाइप से ये लगा सकता हूं m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मेरे को जो वैल्यू गिवन है वो कहां से गिवन है, देखो ये जो मास है इस एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एल दूरी पे है, तो एक मैं एल पुट करूंगा और दूसरा कितनी दूरी पे है, 2l पे, m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, तो यहां से डिस्टेंस क्या जाएगा 9l/5, कहां से, ओ से, तो ये बना लेना, दिस इज 9/5 टाइम्स एल, बना लेना डायग्राम में, बनाना भूल गया मैं, तो ओ से लेके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है 9l/5 बन गया। तो 9l/5, तो पहले डिस्क से क्या होगा, 9l/5 में से l माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4l/5, क्या पॉइंट क्लियर है, तो पहले डिस्क से डिस्टेंस आ गया। अब ओमेगा डैश निकालते हैं, ओमेगा डैश का मतलब पूरा सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है, और ओमेगा डैश होता है क्या है, वी बाय आर, ओमेगा डैश क्या होता है, वी बाय आर। अब ओमेगा डैश ओ पॉइंट के अबाउट अगर हम निकालें जैसा कि इस क्वेश्चन में है, तो ओ पॉइंट कहां पर लाई करता है एक बार प्लीज ये चेक कर लेते हैं। तो जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट ये जहां पर वो जो ये ओमेगा डैश वाला एक्सिस जा रहा था वो मेरा ओ पॉइंट है राइट।
तो क्योंकि ये मेरा जेड एक्सिस नहीं था, मेरा एक्स एक्सिस, मेरा वाई एक्सिस तो सीधे हैं, पर मेरा ये वाला एक्सिस जेड के लॉन्ग आ नहीं रहा। तो मैंने अगर जेड के लॉन्ग कंपोनेंट निकालना, ये मानते हुए कि जेड के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ओमेगा डैश का एक कंपोनेंट आएगा, ओमेगा डैश कॉस थीटा, दैट इज ओमेगा डैश कॉस थीटा अलॉन्ग जेड एक्सिस। लेकिन उससे पहले एक और काम करेंगे इसमें, ओ पॉइंट के अबाउट ओमेगा डैश इज इक्वल टू वी बाय आर का फॉर्मूला समझ में आता है। अब मैंने यहां पर एल क्यों पुट किया, पहले इस बात को समझते हैं। मैंने पहली डिस्क के लिए कैलकुलेट किया क्योंकि ओमेगा डैश की वैल्यू आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कहने का मतलब है ओमेगा डैश की वैल्यू में वी बाय आर पुट किया, और वी क्या होता है, आर ओमेगा होता है वैसे तो, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो वहां से ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। तो आर की जगह मैंने एल पुट किया, पहली डिस्क का डिस्टेंस कितना है, एल है, और वी की जगह मैंने ए ओमेगा क्यों पुट किया, मतलब ये स्टेप जो है ये कैसे आएगा। मतलब मेरे को ओमेगा डैश निकालना है, राइट, मेरे को ओमेगा डैश निकालना है और मुझे ओमेगा डैश की वैल्यू, या मुझे ओमेगा डैश और ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, चलो, क्योंकि मेरा जो पहला ऑप्शन था, मेरा पहला ऑप्शन था कि सेंटर ऑफ मास है वो मूव कर रहा है इस असेंबली के अबाउट, जरूरी नहीं है कि इस मेथड को फॉलो किया जाए, विद अ वेलोसिटी ओमेगा बाय 5। मतलब मेरे को ओमेगा डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। एक बार प्लीज देखो, ओमेगा डैश इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, लगा ये थोड़ा, ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से देखना है, राइट, आपने ना पहली डिस्क को इमेजिन करना है, फर्स्ट डिस्क को, ठीक, ध्यान से है, ये ओ है, पहली डिस्क रोल करती हुई इसके आसपास घूम रही है, राइट, आप सिर्फ पहली डिस्क का सेंटर ऑफ मास देखना, जब कोई बॉडी रोल करती है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। पहली डिस्क का रेडियस क्या है, ए, तो उसका सेंटर ऑफ मास इमेजिन करो पहली डिस्क का घूम रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ ए ओमेगा, वी इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो हमने क्या किया, वी पहली डिस्क का डिस्टेंस कितना है, एल, और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो रही होगी, ए ओमेगा, लिख लेना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ए ओमेगा, ठीक, मतलब वी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर में फिर एक बार वी इज इक्वल टू ए ओमेगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है और ये रोटेशन का कॉन्सेप्ट है,
फर्क है, ये सर्कुलर का कॉन्सेप्ट है और ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है। तो ये अबाउट ओ, उसने पूछा कि जेड एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट पूछा उसने, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो तो इसके अबाउट आ रही है, पर अगर ऑप्शन में जेड एक्सिस पूछा तो मुझे एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा जैसे वेक्टर क्वांटिटी। तो जब मैंने यहाँ कंपोनेंट लिया, फिर कंपोनेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पुट की और यहाँ पर ये वैल्यूज को पुट किया, ये रहा, क्योंकि ऑप्शन में शायद ये पूछा हुआ है सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ऑप्शन में क्योंकि फर्स्ट डिस्क का नहीं पूछा गया, सेंटर ऑफ मास पूछेगा, तो मैंने एल भी चेंज कर दिया, तो एल की जगह क्या पुट किया जो हमने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट निकाला था। तो ये अभी पहला ऑप्शन आया है, तो यहाँ से ओमेगा बाई फाइव आएगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी, ज़्यादा ट्रिकी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी, अच्छा ठीक है, गूगल पे टाइप कर लेना टफेस्ट क्वेश्चन इन आईआईटी, वो आपको ना एक वीडियो दिखाएगा कोई, उसमें दो तीन उनमें से ये क्वेश्चन आएगा। ठीक, मतलब मैं वैसे सर्च कर रहा हूँ, देखूँ सी आज तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है, मतलब वन ऑफ द मुश्किल क्वेश्चन। तो उन्होंने ये इसमें किसी बंदे ने मेंशन किया हुआ था, और सच में उस टाइम सॉल्व करना थोड़ा सा, एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो अब हमें आइडिया है कि कैसे करना है, राइट। तो इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन में चल रहा था ना, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है वो कितना है, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू अगर बात करें तो सेंटर ऑफ मास जो है वो घूम घूम रहा था 9L/5 की रेडियस में घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम एल अबाउट ओ विल बी इक्वल टू व्हाट, तो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या, आई इन टू ओमेगा। तो ओ का मतलब है ओमेगा डैश लेना पड़ेगा हमें, ओ का मतलब ओमेगा डैश है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई, किसका, पूरे सिस्टम का। अब सिस्टम का हम कैसे निकालेंगे, हमने सेंटर ऑफ मास निकाला, तो हमारा जो ऑप्शन है उसने पूछा एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, उसने दोनों दोनों डिस्क का मत निकालना, पहले सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो, सेंटर ऑफ मास पे कितना मास पड़ा हुआ है 5m, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ओमेगा डैश तो हमने पीछे से आगे पुट करना है यहाँ पर, तो आपके पास ये ऑप्शन कुछ आएगा जो कि इसमें मैच नहीं करेगा आपका। मतलब हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का नहीं, एक डिस्क का नहीं पूछा। तो अब हम सेंटर ऑफ मास को क्या इमेजिन कर रहे हैं, एक पॉइंट मास, वो पॉइंट मास मूव कर रहा है विद इनटू आई इनटू ओमेगा, तो कोई डिस्क का मत लगाना इसमें, सेंटर ऑफ मास को पॉइंट मास लगा के आई इनटू ओमेगा लगा के देखना है। तो एक बार ओमेगा पीछे ए पार्ट से आ गया तो आई इनटू ओमेगा से सेकंड पार्ट आपको चेक करना है, और क्योंकि वो पॉइंट ओ पूछ रहा है तो ओ का मतलब ओमेगा डैश से सॉल्व होगा। देखो उसने कहा ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट का मतलब खड़े हो जाओ अपने उस ओरिजिन के ऊपर, तो ओ सेंटर ऑफ मास घूम रहा है उसके आसपास, देखो दोनों डिस्क घूम रही है, इसका मतलब उसका सेंटर ऑफ मास भी ऐसे घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास जो घूम रहा है, बस ये वाला हाथ देखना है मेरा, सेंटर ऑफ मास घूम रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट दिख रहा है आपको जिसकी दूरी कितनी है 9L/5, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इंटू, क्योंकि ओ पॉइंट है तो ओमेगा यूज नहीं करना, ओ पॉइंट है तो ओमेगा डैश यूज करना है, तो यहां से सेंटर ऑफ मास पे निकालना है। नहीं तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डिस्क का निकाल देंगे, पर हमें किसका निकालना है, सेंटर ऑफ मास का निकालना है। ठीक, अब एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट तो आ गया, अब एंगुलर मोमेंटम वो कह रहे हैं किसके अबाउट निकालो, ओमेगा ओ डैश के अबाउट निकालो। तो अब अगर एंगुलर मोमेंटम ओ डैश के अबाउट निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम जो लास्ट ऑप्शन, जो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास, असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू गिवन, एक्सिस नहीं, इसमें एक्सिस नहीं मेंशन, अबाउट पॉइंट ओ ऊपर तो गिवन है, मेरे ख्याल से ओ डैश गिवन होगा, ओ डैश गिवन होगा, चलो इन एनी केस कोई बात नहीं। जब वो एंगुलर मोमेंटम ओ डैश का निकाल रहा है, अब ओ डैश एक्सिस है क्या, पहले ये समझ लो, ओ डैश एक्सिस डिस्क के बीच में से पास कर रहा है, डिस्क का सेंट्रल एक्सिस ओ डैश है, तो डिस्क का एक्सिस ओ डैश है जो कि उनके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, तो इसके अबाउट जो ये एक्सिस इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये डिस्क है, उसने इसके अबाउट पूछ लिया अब आई कितना है, और ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास में से जो पास कर रहा है, ऐसे रोटेशन हो रही है अभी ओमेगा, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ या एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई वन इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा रोटेशन है, इसकी भी ओमेगा रोटेशन है, तो आई टू इंटू ओमेगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई वन इंटू ओमेगा प्लस आई टू इंटू ओमेगा, तो आई की डिस्क की वैल्यू उसने पुट कर ली, मास भी डिफरेंट है दोनों के और जो भी डिस्टेंस डिफरेंट है, तो यहाँ से उसने मैच किया तो जो ऑप्शन करेक्ट एक आएगा, ये तो ठीक हो ही जाएगा, और कुछ ठीक हो ना हो, चार पार्ट्स में से एक तो ठीक होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने कहा था वो मैंने आज करवाना था, तो ये देखो मैं फिर कहूँगा कि
ऐसा नहीं होता कि हमें सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली एडवांस के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर तो यार मैं क्या ही कहूँगा तुम्हें, ठीक। बट द पॉइंट इज़ कि वैसे तो मेंस का भी बहुत सही रूल है, अगर आप 50% से ऊपर पेपर सही कर देते हो तो भी आप टॉप, मतलब ठीक ठाक रैंक निकाल के आते हो, और अगर आप 60-70% तक करके आते हो फिर तो मतलब स्टार रेटिंग आपकी बढ़ेगी बढ़ेगी। 99 पॉइंट जिनका 8 आया है, 6 आया है, तो ये लोग, अगेन मैंने हमेशा बताया, 200 की कैटेगरी प्लस कैटेगरी है सारी जितनी भी है, और इसके अंदर आप टॉप के 0.1%, 0.2% स्टूडेंट में आ जाते हो। हाँ, मैं ये उसमें भी अलग अलग फाइट है, 200 से ऊपर अलग फाइट है। आप देखेंगे अखबारों में नाम भी आते हैं एकदम एक्सेप्शनली, 280, 300, लोगों तो 300, लोग तो पूरे में तो पूरे भी पता नहीं कैसे लिए हुए हैं, मेरे को समझ में नहीं आता यार। 360 भी लास्ट टाइम क्रॉस हो गया था, बट चलो ठीक है, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, वो हो सकता है जैसा भी होगा, बट अगर नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो आ जाते हैं खूब प्रैक्टिस के बाद। कोर्स को रिटेन करना बहुत बड़ी बात है, अभी आधी गेम हुई है, ये एक बहुत लंबी रेस है, हाफ रेस हुई है, आधी रेस और बराबर है इतनी, फिर दोनों का बोझ उठा के भागना आसान टास्क नहीं है मेरे हिसाब से। प्लस टू भी इतनी तो चलेगी, इससे कम तो क्या ही चलेगी प्लस टू भी। तो अब आप इमेजिन कर लो वो इंटू तीन भी तो हो रहा है ना आपका पीसीएम में, तो थोड़ा सा दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना ये इम्पोर्टेंट है। एडवांस के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन होती है हमेशा, पहले सारा कोर्स एकदम टिप्स पे होना चाहिए, और फिर क्विक जल्दी 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 चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़।